ये जो आयात मैंने आपके सामने रखी हैं सूरह आल इमरान की आयात है और इनका रवान तर्जमा इस तरह से है, जिन लोगों ने ज़ख़म खाने के बाद भी अल्लाह और रसूल की पुकार पर लब्बैक कहा उनमें से जो अशख़ास नेकोकार और परहेज़गार हैं उनके लिए बड़ा अजर है, और वो जिनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे ख़िलाफ़ बड़ी फ़ौजें जमा हुई हैं उनसे डरो, ये सुनकर उनका ईमान और बढ़ गया और उन्होंने जवाब दिया कि हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। आखिरकार वो अल्लाह की नेमत और फजल के साथ पलट आए, उनको किसी किस्म का ज़रर नहीं पहुंचा और अल्लाह ताला की रज़ा पर चलने का शरफ भी उन्हें हासिल हो गया। अल्लाह बड़ा फजल फरमाने वाला है। रब इशरह ली सदरी व यस्सर ली अमरी واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اما بعد حضرات جیسا کہ اعلان ہو گیا ہے کہ ہمارا جو موضوع ہے اسماء الحسنا سیریز کی حوالے سے اسماء الحسنا سیریز کے حوالے سے ایک اور قسط میں ایک اور نام اور وہ ہے الوکیل جس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ کے کو جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہم یہ ہر مہینے یہاں پر کلاس چلاتے ہیں، اور آج ہم الوکیل کے حوالے سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں اور کیا باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اور اسی کے ضمن میں ایک بہت ہی اہم اصطلاح ہے اور وہ ہے توکل علی اللہ، اللہ پر توکل کرنا، وہ بھی ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ توکل علی اللہ ہے کیا چیز اور اس کے کیا فضائل اور کیا ثمرات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں سورہ آل عمران کی، یہ بنیادی طور پر جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی، اور جنگ احد کے حوالے سے ایک مختصر ترین بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ احد کے میدان میں جب حق اور باطل کے درمیان معرکہ تھا، اس میں جو واقعات ہوئے وہ آپ سب کے علم میں ہیں، اور پھر قریشی مدینہ منورہ سے واپس مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور اہل ایمان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تھے وہ زخم کھا کر مدینہ منورہ کی طرف واپس جا رہے تھے کہ اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال گزرا کہ کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ معرکے کا فیصلہ نہیں ہوا کہ کون جیت گیا کون ہار گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قریشی واپس پلٹ آئیں اور مدینہ پر حملہ کر دیں۔ اور ہوا بھی یہی کہ دو تین منزلیں کراس کرنے کے بعد قریشیوں کو خیال آیا کہ یہ ہم نے کیا بیوقوفی کی ہے، ہم تو اسلام کے گڑھ میں موجود تھے اور اسلام کا صفایا کر دیتے، مدینہ پر چڑھائی کر دیتے۔ چنانچہ وہاں پر قریش کے درمیان یہ مشورہ ہونے لگا کہ کیا کیا جائے، واپس چلیں تاکہ مدینہ پر حملہ کریں،
लेकिन फिर वो हमला नहीं हो सका और सुस्त पड़ गए और मक्का की तरफ उन्होंने सफ़र कर दिया। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाज़ा हो गया था कि मुमकिन तौर पर ये दोबारा हमला कर दें, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम सहाबाए किराम को जो ज़ख्म खुर्दा थे, ज़ख्मी थे, तलवार और नेज़े खाए हुए थे, उन सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया अहद के अगले दिन कि जिन लोगों ने कल अहद में शिरकत की थी वही सहाबा दोबारा जमा हों और उन ज़ख्मी सहाबा को लेकर दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के पीछे चल पड़े पूरी फौज लेकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमरा असद तक पहुँचे थे, एक इलाका है वहाँ तक पहुँचे थे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो गया कि कुरैशी मक्का की तरफ रवाना हो गए, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए। तो यहाँ पर जो आयात नाजिल हुई हैं उस वक्त जब ये लोग ज़ख्म खुर्दा ज़ख्म खाकर जब दोबारा चढ़ाई के लिए एक फ़ौज को मुनज़्ज़म किया जा रहा था, उस वक्त जो मुनाफिकीन थे, जो यहूदी थे और जो दूसरे लोग थे, वो मुसलमानों से कह रहे थे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें ज़ख्म लगे हैं, तुम ज़ख्मी हो, ज़ख्मी फ़ौज है। तो ज़ख्मी फ़ौज कहाँ जा रही है, कुरैश ने तुम्हारे लिए बड़ा सामान तैयार कर रखा है, बहुत बड़ा लश्कर है जो वहाँ पर तुम्हारे इंतज़ार में बैठा है, तुम ना जाओ, उनसे डरो, उन लश्करों से डरो। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने कहा हसबुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम का ये कहना कि हसबुनल्लाहु व निअमल वकील एक बहुत बड़ी दुआ है। आगे चल के आपको मालूम होगा कि इस दुआ की कितनी बड़ी अहमियत है और किन किन नाजुक मौक़ों पर यह दुआ कही गई और अल्लाह की फ़तह और नुसरत उन लोगों के साथ शामिल हाल रही जिन्होंने ये दुआ की। तो ये पस मंज़र है इन आयात का, हसबुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह ताला का नाम है अल वकील। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बुजुर्ग सहाबी हैं, उनका कहना है कि हसबुनल्लाहु व निअमल वकील एक ऐसी दुआ है जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त मांगी थी जब उन्हें आग में फेंका जा रहा था, इसकी भी तफसील आगे आएगी, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त मांगी थी जब लोग कह रहे थे कि कुरैश ने तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी फौज तैयार कर रखी है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी फतह और नुसरत से नवाजा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस दुआ की बदौलत फतह और नुसरत से नवाजा। हसबुनल्लाहु व निअमल वकील बहुत बड़ी दुआ है। हमारा जो मौजू है वो है अल वकील। हम मालूम करने की कोशिश करेंगे कि अल वकील का मतलब क्या है और इस हवाले से क्या बातें हमारे सामने आती हैं। अल वकील, सबसे पहले हमें मालूम करना है इस नाम का मतलब क्या है। अल वकील का सीधा और आसान मतलब है कारसाज, सीधा और आसान मतलब है कारसाज, जिसके सुपुर्द अपने मामलात किए जाएं। अल वकील वो है जिसके सुपुर्द अपने मामलात किए जाएं, निगहबान अल वकील को कहते हैं, हवालादार अल वकील को कहते हैं, मुख्तार अल वकील को कहते हैं, इसकी तशरीह आगे आएगी। अल वकील ये एक ऐसा लफ्ज़ है, वकील सिर्फ वकील एक ऐसा लफ्ज़ है उर्दू ज़बान में बहुत मुस्तमल है और हम सबको इसका मतलब मालूम है। अल वकील हमारी ज़बान में उस शख्स को कहते हैं जिस पर एतमाद करते हुए कोई शख्स अपना मामला उसके सुपुर्द करता है, अदालत के वकील होता है। आपका केस है अदालत में, आप वो केस खुद लड़ नहीं सकते, अगर आप लड़ेंगे तो बेहतर अंदाज में उसको पेश नहीं कर सकते, आप एक आदमी की खदमात हासिल करते हैं और उस आदमी को वकील कहा जाता है। वो शख्स जिसको आपने अपना वकील बनाया है, वो शख्स अब आपका केस लड़ेगा, आप हैं या नहीं है, वो शख्स आपके मामलात को वहाँ पर पेश करेगा अदालत में। इसी मफहूम के करीब करीब अल्लाह ताला के लिए जो नाम है अल वकील वो इस्तेमाल हुआ है। अल वकील वो है जिसके सुपुर्द मामला किया जाए और वो आपकी जगह पर आपका मामला सुधारे, चलाए, बेहतर बनाए और तमाम चीज़ें उसके ज़मीन में आती हैं। अल वकील अल्लाह ताला तमाम मखलूकात का मालिक है, वो खालिक है,
और तमाम मामलात की तदबीर, तमाम कायनात का रिज़्क, उनका इंतज़ाम और उनकी हयात, उनका नफ़ा, उनका नुकसान, सारी चीज़ें उसके कब्ज़े पर है, उसके कब्ज़े में है। इसलिए वो अल-वकील है, जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम मामलात हों, वो है अल-वकील। अल-वकील जो अल्लाह का नाम है, हर किसी का कार साथ है। अल-वकील का एक मफहूम ये भी है, वो जो मुहाफ़िज़ है, जो बातदबीर है, जिस पर एतमाद किया जाए, जिसके सुपुर्द अपने मामलात किए जाएं। अल-वकील वो है जिसको अपना मामला चलाने के लिए किसी से मुशावरत करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मुशावरत करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी हिकमत से तमाम मामलात को चलाता है, अपनी हिकमत से तमाम मामलात की तदबीर करता है और अपनी हिकमत से अपने तमाम मखलूक के ज़रूरतों को पूरा करता है। अल-वकील, रिज़्क का ज़िम्मा अल्लाह ने अपने पास लिया है, अल-वकील है वो। अब ये मसला मेरा है, रिज़्क जो है ना वो मेरा मसला है, मुझे रिज़्क देना है, मेरा मामला है, लेकिन अल-वकील के ज़िम्मे है, वो मेरे रिज़्क की तदबीर करता है, किस तरह से मुझे रिज़्क पहुँचता है, वो इस मामले के हवाले से वो मेरा कफ़ील है। अल-वकील कफ़ील को भी कहते हैं। कफ़ील के मफ़हूम हम सबको मालूम है, ये अल्लाह ताला की असमाल हुस्ना में से एक नाम है जो मुख्तलिफ़ तराकीब से फ़त्तख़िदहु वकीला, अल-वकील, कफ़ा बिल्लाहि वकीला, इस तरह के मुख्तलिफ़ तरकीबात से क़ुरान मजीद में 14 मरतबा आया है। 14 दफ़ा अल-वकील मुख्तलिफ़ तराकीब में क़ुरान मजीद में आया है। खुद सुपुर्दगी को तवक्कुल कहते हैं। अल-वकील वो है जिसके सुपुर्द हम अपना मामला करते हैं। तवक्कुल का मतलब है अपने आप को उसके हवाले कर देना, अपने पूरे वजूद को उसके हवाले कर देना कि वो अब मेरा मामला चलाएगा, वो बेहतर तरीके से मेरे मामले को चला सकता है, उस पर एतमाद किया जा सकता है। अल-वकील या वकील जो है वो नियाबत को भी कहते हैं, मेरा नायब है, वो मेरा वकील है। हम पाकिस्तान कौंसलेट में जाते हैं, पाकिस्तान में आपका कोई माली मामला है, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपने कोई मकान लिया है, कोई ज़मीन लिया है, कोई ऐसी माली मामलात हैं, आप खुद यहाँ पर हैं, आप पाकिस्तान में नहीं हैं, आप खुद यहाँ पर हैं। अब आपने वहाँ पर पाकिस्तान में किसी शख्स को एक ऐसी सलाहियतें देनी हैं, एक ऐसी पावर देनी है कि वो आपकी जगह पर दस्तखत करे, आपकी जगह पर कंपनी से लेन देन करे, वो पे करेगा, वो रसीदें वसूल करेगा, वो दस्तखत करेगा, उससे कंपनी उससे डील करेगी। तो हम कौंसलेट में जाके एक मुख्तार नामा बनाते हैं, उसको मुख्तार नामा कहा जाता है। तो वो आपका नायब भी है जिसके जिम्मे आपने मामला सुपुर्द कर दिए हैं। तो अल-वकील कफ़ील को भी कहते हैं, अल-वकील नायब को भी कहते हैं, अल-वकील उसको भी कहते हैं जिस पर एतमाद किया जाए, जिसके सुपुर्द मामलात किए जाएँ, जो हमारे मामलात की निगरानी करता है, हमारे जो है ना जो हमारी बेहतरी में चीज़ें हैं उनके मामलात को देखता है और वो चीज़ें हमें फराहम करता है। अल-वकील का एक आम मफहूम है और एक ख़ास मफहूम है। अल-वकील का एक आम मफहूम और एक ख़ास मफहूम। आम मफहूम क्या है? आम मफहूम यह है कि वो अपने तमाम मखलूकात का वकील है। आप उसे वकील बनाए या ना बनाए, आप उसे वकील बनाए या ना, एक तो है ना तवक्कल तो अल्लाह, मैंने अल्लाह पर तवक्कुल कर दिया, ये जो मामला है इस पर मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया, ये अल्लाह पर तवक्कुल कर दिया, तो इसका मतलब यह है आपने अल्लाह को अपना वकील बनाया है। और एक वकील आम है, वकील आम क्या है, आप चाहें या ना चाहें वो आपका वकील है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ। इसका तर्जमा है, यह है तुम्हारा रब, कोई खुदा उसके सिवा नहीं, हर चीज का खालिक है, उसने पैदा किया है, तब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बंदों की, अपने मखलूकात की तदबीर करे और मामलात को चलाए। हर चीज का खालिक है, लिहाजा तुम उसकी बंदगी करो, और वो हर चीज का वकील है, आप चाहें या ना चाहें वो आपका वकील है। इसी मफहूम की एक और बड़ी वाज़ह आयत हमारे सामने आती है, अल्लाह खालिकु कुल्ली शय, अल्लाह
हर चीज का खालिक है, वहु अला कुल्ली शैइन वकील, और वही हर मखलूक का वकील भी है। तो आप चाहें या ना चाहें वो आपका वकील है, तमाम मखलूकात का वकील है। उनके रिज़्क का मामला, उनकी सेहत का मामला, उनके नफा और नुकसान और ज़िंदगी और मौत और हयात, तमाम चीज़ें जो इंसान और तमाम मखलूकात के मुतालिक हैं, वो उन तमाम चीज़ों का वकील है। वही उसको तसर्रुफ़ करता है, वही अपने बंदों की बेहतरी के लिए करता है। ये था एक आम मफहूम, आप चाहें या ना चाहें वो आपका वकील है। एक ख़ास मफहूम है, और वो ख़ास मफहूम ये है कि वो अपने अवलिया और अपने ख़ास बंदों का वकील है, अपने अवलिया का और अपने ख़ास और ख़ास बंदों का वकील होता है। उनके लिए आसानियां फराहम करता है, उनके उनको तंगियों से निकालता है, उन्हें कुशादगियों में ले जाता है, उन्हें मुसीबतों से बचाता है, उन्हें मुश्किलात से नजात दिलाता है, उन्हें बहरानों से निकालता है। वो उनका वकील है, ख़ास मफहूम है उसका। अल्लाह ताला का इरशाद है इन ख़ास बंदों के लिए, वह तवक्कल अल्लाह, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह पर तवक्कुल करो, वकफा बिही वकीला, और वो वकील होने के लिए काफ़ी है। आपके मामलात को चलाएगा, आपके तदबीर करेगा, आपके रिज़्क का, तमाम चीज़ों का। इसके अलावा अपने बंदों के साथ ये तमाम मामलात, ख़ास और ख़ास बंदों की हम बात कर रहे हैं, अल्लाह के अवलिया और बुजुर्गान की बात कर रहे हैं। वतवक्कल अल्लाह वकफा बिही वकीला, एक तो यह है कि ये तमाम मामला जो आम इंसानों के साथ हैं वो भी उनके साथ होंगे, लेकिन एक ख़ास बात ये होगी अल्लाह की माइयत उनके साथ हो जाएगी। अल्लाह की माइयत उन लोगों के साथ हो जाती है, फिर वो उनको तमाम मुश्किलात और मशाकिल से नजात दिलाता है। हजरत, ये जो तवक्कुल है, अल्लाह पर तवक्कुल करना, ये है क्या चीज़ और ये किस तरह से होता है? इमाम इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि तवक्कुल जो है मिन अमलिल क़ल्ब, ये जो तवक्कुल है इसको कोई चीज़ से नापा नहीं जा सकता, कोई पैमाना नहीं है नापने का, क्योंकि तवक्कुल जो है ये दिल का मामला है। असल में ये है दिल का मामला, इसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी और चीज़ से, तवक्कुल जो है दिल का मामला है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कहना है कि तवक्कुल का मतलब है अल्लाह पर एतमाद और भरोसा। तवक्कुल अल्लाह पर एतमाद और भरोसे को कहा जाता है। तवक्कुल का एक मतलब है अल्लाह पर, अल्लाह से हुस्ने ज़न रखना। तवक्कुल का एक मफहूम है अल्लाह से हुस्ने ज़न रखना। आगे इसकी तफसील आएगी। हुस्ने ज़न रखने का मतलब क्या है? हुस्ने ज़न रखने का मतलब यह है कि वो मेरा खालिक है, उसे मालूम है मेरी बेहतरी किसमें है। हम कभी कभी ये काम करने की कोशिश करते हैं ना, अमूमन जो लोग इस्तखारा करते हैं, और इस्तखारा भी एक बहुत बड़ी मशक है तवक्कुल करने की। इस्तखारा करते हैं और उनका दिल जो है ना किसी तरफ राग़िब हो जाता है। इस्तखारा करते हैं ये मामला किया जाए या ना किया जाए, और फिर वो कैफियत तारी होती है कि उस मामले से दूर, लेकिन इसके बावजूद वो उस मामले के पीछे पड़े रहते हैं। अल्लाह से हुस्न नज़र रखना कि मेरा मामला अल्लाह के पास है, वो मेरा मामला मुझसे बेहतर अंदाज में चला सकता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से हमें मिलता है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, क़यामत के दिन अगर मुझसे कहा जाए कि तुम्हारा मामला तुम्हारे वालदेन के सुपुर्द करते हैं, तुम्हारा मामला तुम्हारे वालदेन के सुपुर्द करते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, लरफ़्त, मैं इसे इनकार कर दूंगा कि मेरे वालदेन का सुपुर्द ना किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला मुझ पर मेरे वालदेन से ज़्यादा शफीक और मेहरबान होगा। अब अंदाज़ा कर सकते हैं, अल्लाह ताला मुझ पर मेरे वालदेन से ज़्यादा शफीक और मेहरबान होगा। एक बुजुर्ग कह रहे हैं, तवक्कुल की हकीकत यह है कि मखलूक से तवक्को ख़त्म हो जाए, मखलूक से कोई तवक्को न रखी जाए, इंसान से कोई तवक्को न रखी जाए कि ये यहाँ से कोई मुझे नफ़ा या नुकसान मिल सकता है, इंसानों से तवक्को ख़त्म हो जाए। और एक और बुजुर्ग कहते हैं, क़त्अ नज़र इला अस्बाब बाद तहय्यत अस्बाब, असल में तवक्कुल की हकीकत आगे चल के आपको मालूम होगी, अस्बाब पर अमल करना और फिर इन अस्बाब से तवक्को छोड़ देना, तमाम अस्बाब इख्तियार करना जो इस काम को बेहतर अंदाज में करने के जामिल हो सकते हैं, उन तमाम मामलात पर अमल करने के बाद, अस्बाब इख्तियार करने के बाद उन असबाब से उम्मीद ख़त्म हो जाए कि ये असबाब नहीं कर सकते ये काम,
असंभ काम करने वाला अल्लाह ताला है। हजरत यहया इब्ने माज़ रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनसे पूछा गया, अब देखिए तवक्कुल का मतलब क्या है, अल्लाह पर, हम कहते ना तवक्कल तो अल्लाह, इसका मतलब क्या है आखिर, और वो अल्लाह से हुस्ने ज़न चुकी जो बात की गई है उसका मतलब क्या है। हजरत यहया बिन मुआज़ रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, मता यकूनु रजुलु मुतवक्किलन, आदमी कब तवक्कुल अल्लाह पर बयान करता हुआ समझा जाएगा, मुतवक्किल समझा जाएगा, कब समझा जाएगा कि उसने अल्लाह पर तवक्कुल किया है। हजरत ने जवाब दिया, इज़ा रदिया बिल्लाह वकीला, उस वक्त इंसान मुतवक्किल समझा जाएगा जब वो अल्लाह को अपना वकील बना के मुतमईन हो जाएगा। अल्लाह को अपना वकील बनाने पर पहले राजी हो जाओ, उसके बाद तुम समझे जाओगे कि तुमने तवक्कुल किया है। तो असल में ये मसला है कि तवक्कुल अल्लाह के बाद फिर हम चाहते हैं कि हम ये भी हो, ये हमारी सहूलत के मुताबिक ये काम हो, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक ये काम हो, तो फिर तो तवक्कुल की हकीकत नहीं हो सकती। हजरात, तवक्कुल की हकीकत तक आदमी उस वक्त तक नहीं पहुंच सकता जब तक के तौहीद उसके दिल में ना हो, और तौहीद आप सबको मालूम है, जो हमने पहली किस्त यहाँ पर की थी उसमें आप सबको बताया था कि तौहीद का मतलब क्या है, आखिर अल्लाह को वाहिद जानना, ये तो है, लेकिन अल्लाह को वाहिद जानने के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं। तीन दर्जे हैं तवक्कुल के, उसमें से एक ये है अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात पर यकीन रखना, ये है तौहीद की हकीकत, तीन चीज़ें हैं। तो ये अल्लाह पर तवक्कुल करने उस वक्त तक पैदा नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह को एक न माना जाए, अल्लाह को कारसाज न माना जाए, ये यकीन ना हो जाए कि नफ़ा नुकसान उसी के हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है, तब तवक्कुल तो नहीं हो सकता कि आपको ये भी हो और ये भी नफा दे सकता है और यहाँ से भी कुछ उम्मीद है, ये तवक्कुल नहीं हो सकता। तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पर हो, और तवक्कुल तौहीद के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। हाफिज़ इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह का एक जामे कौल है, उनका कहना है ये दिल की कैफियत है, तवक्कुल जो है ये दिल की कैफियत है जो ईमान बिल्लाह के बायस पैदा होती है। दिल में जब ये यकीन पैदा हो जाए कि नफ़ा नुकसान, अता और महरूमी, रिज़्क और तमाम चीज़ें अल्लाह की तरफ से हैं, ये तमाम चीज़ें अल्लाह की तरफ से हैं, और ये कि अल्लाह ताला जो कुछ चाहता है वही होता है, और जो कुछ नहीं चाहता उसकी मशीयत में नहीं है वो हरगिज़ नहीं होगा, जब ये तमाम चीज़ें उस दिल में पैदा न हो उस वक्त तक तवक्कुल हो ही नहीं सकता। अब अंदाज़ा करें इस तरह से तौहीद से जोड़ा है जाके, कि तवक्कुल बुनियाद है तौहीद की। असल में बाज लोगों का ख्याल है कि तवक्कुल का मतलब यह है कि हम अल्लाह पर तवक्कुल करें, असबाब को तर्क कर दें, हालांकि असबाब पर इख्तियार करने के बाद अल्लाह पर तवक्कुल किया जाए, हम अपने तौर पर जितना हमसे हो सकता है वो करें, फिर नताइज अल्लाह पर छोड़ दें कि वो अल्लाह पर तवक्कुल उसको समझा जाता है। हजरत, अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देने के बाद, जब अपने तमाम असबाब इख्तियार किए जाएँ उसके बाद अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द किया जाए। उलमा इकराम का कहना है असबाब को तर्क करना कुफ्र है। अब अंदाज़ा कर सकते हैं कि आदमी कहे कि नहीं नहीं मैं कोई असबाब इख्तियार ना करूँगा, अल्लाह ताला मुझे देगा, मैंने अल्लाह का तवक्कुल किया, और असबाब इख्तियार ना करे। उलमा इकराम का कहना है असबाब इख्तियार न करना कुफ्र है, और असबाब पर तकिया करना बेवकूफ़ी है कि यही असबाब जो है हमारे लिए काम करेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें असबाब इख्तियार करने के बाद तवक्कुल की किस तरह से दर्स देते हैं, किस तरह से तालीम देते हैं। एक आदमी अपने ऊँटनी के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकिल हा व तवक्कल अम अतरुक हा व तवक्कल, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ऊँटनी को बांध के मैं अल्लाह पर तवक्कुल करूँ या छोड़ के अल्लाह पर तवक्कुल करूँ। यानी ये समझ में आता है ना कि अल्लाह पर तवक्कुल अगर बांध दिया तो फिर तवक्कुल क्या है का? तो तुमने तो बांधा हुआ है ना उसको, तवक्कुल का है फिर, तो छोड़ के तवक्कुल होना चाहिए। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम क्या दी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आकिल हा व तवक्कल, उसको बांधो, ऊँटनी को पहले रस्सी से बांधो फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो, वो चाहे तो रस्सी को तोड़ सके, भाग सकती है, चोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन असबाब अपने तौर पर आदमी इख्तियार करे। इंसानियत के सबसे बड़े मुतवक्किल, सबसे ज्यादा अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम है अल मुतवक्किल। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम है अल मुतवक्किल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असबाब इख्तियार करके हमें तालीम दी है कि तवक्कुल असल में ये है कि आदमी असबाब इख्तियार करे उसके बाद तवक्कुल करे। हिजरत के मौके पर आप देखिए असबाब किस तरह से इख्तियार किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जामा मंसूबा बनाया, जो अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखी थी उनकी वापसी का बंदोबस्त किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन गार में रहे, उसके बाद गार से निकले, अल्लाह पर तवक्कुल किया, असबाब तमाम असबाब इख्तियार किए। उहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िरह पहनी, हालांकि अल्लाह पर तवक्कुल है या नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पर तवक्कुल था या नहीं था, इसके बावजूद असबाब इख्तियार ज़िरह पहनी और फिर मैदान में आए। इसी तरह से एक बड़ा लतीफ वाकया हमें मिलता है, बुराक बुराक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सवारी है जो जिसके मदद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज किया, आसमानों का सफर किया। बुराक ये बुराक उस वक्त उतनी किसके लिए थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उतनी थी ना, और किसी के लिए नहीं उतनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बुराक पर बैठकर मस्जिद अक्सा गए, मस्जिद अक्सा पर उतरे तो बुराक को रस्सी से पहले सुतून से बांधा, फिर मस्जिद में गए और अंबिया की इमामत कराई। अब अंदाजा करें, हालांकि बुराक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही उतरी थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक को पहले रस्सी से बांधा फिर मस्जिद में गए इमामत करवाई। आप अंदाजा करें किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असबाब इख्तियार किए फिर अल्लाह पर तवक्कुल है। इसी तरह से हजरत इसहाक इब्न राहवे बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, उनसे पूछा गया अर्रजुल यदखुलुल मफाजा, एक आदमी मफाजा का सफर करता है। मफाजा क्या है? मफाजा एक ऐसे वीराने को कहते हैं, एक ऐसी ऐसे दश्त को कहते हैं, एक ऐसे सहरा को कहते हैं जहां पर आदमी गया और मर जाएगा, यानी उसके गुम होने के और हलाक होने के ज्यादा इम्कान है, इसीलिए उसको मफाजा कहा गया है। जो उसको पार कर गया वो फाइज हो गया। इसको मफाजा इसलिए कहते हैं कि अगर पार कर लिया आदमी जिंदा सलामत वापस आ गया तो वो फाइज हो गया। तो हजरत इसहाक इब्न राहवे से कहा गया अर्रजुल यदखुलुल मफाजा मिन गैरि ज़ाद, एक आदमी मफाजा का सफर करता है, हलाक कर देने वाले दश्त पे जाता है और अपने साथ ज़ाद राह नहीं देता, खाना पीना नहीं लेता, उसे मालूम है कि ये जगह ऐसी है जो मफाजा है, हलाक करने वाली है, तो ऐसे आदमी के बारे में क्या कहा जाए? वो कहता है मैंने अल्लाह पर तवक्कुल किया। वो कहते हैं, जवाब देखिए उनका, उन्होंने कहा इदा कान अब्दुल्लाह इब्न मुनीर फनाम, अगर वो अब्दुल्लाह इब्न मुनीर रहमतुल्लाह अलैह है तो ठीक है। अब्दुल्लाह इब्न मुनीर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनके दौर के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया अगर वो अब्दुल्लाह इब्न मुनीर है, उन जैसा ईमान है, उन जैसा यकीन है, उन जैसी मंजिलत है तो ठीक है, वरना नहीं कर सकता ये, ऐसा ऐसी तवक्कुल नहीं है फिर ये, फिर ये अपने आप को हलाकत में डालने वाला है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कुल की बुलंदतरीन चोटी हमें बताई। आपको मालूम है कि कुरान मजीद हमें हमेशा बुलंदतरीन चोटी दिखाता है, बुलंदतरीन चोटी हमेशा दिखाता है, छोटी बात नहीं करता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में तवक्कुल की बुलंदतरीन चोटी में बताई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है लव अन्नकुम ततवक्कलून अलल्लाहि हक्क तवक्कुलिही। असल में तवक्कुल जो है ना वो उमूमन रिज़्क के साथ ज़्यादा बंधा हुआ होता है। उमूमन लोग इसको रिज़्क के साथ बहुत ज़्यादा वाबस्ता करते हैं, कल क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मुस्तकबिल का क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है ना उसके हवाले से आदमी बहुत परेशान रहता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बुलंदतरीन चोटी जो बताई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है लव अन्नकुम ततवक्कलून अलल्लाहि हक्क तवक्कुलिही, अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल करो जैसा के तवक्कुल करने का हक है। अब अल्लाह करे हक कौन अदा कर सकता है, अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल करो जैसा के तवक्कुल करने का हक है लरज़क़कुम कमा यरज़ुकुत तय्यिर, तो फिर वो तुम्हें उसी तरह से रिज़्क देगा जिस तरह से परिंदों को देता है। कोई परिंदा आपने देखा है खाना ज़खीरा करता है? कोई परिंदा नहीं है जो खाना अपने घोंसले में ज़खीरा किया हो, नहीं करता वो।
लरज़क़कुम कमा यरज़ुकुत तैर, तो फिर वो तुम्हें उसी तरह से रिज़्क़ देगा जिस तरह से परिंदों को रिज़्क़ देता है। परिंदे क्या करते हैं, तरदू खिमासन व तऊदू बिताना, वो तब निकलते हैं सुबह अपने घोंसलों से, तो उनके पेट चिपके हुए होते हैं भूख से, और जब वापस आते हैं तो पेट भरे हुए होते हैं, अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी खाना लाते हैं। अगर आदमी तवक्कुल करे, देखिए ना परिंदे का तवक्कुल क्या है, इस तरह से परिंदे का तवक्कुल है, उसे मालूम है मैं निकलूंगा मेरा रब मुझे खाना देगा, तो वो निकलता है परिंदा सुबह खाली पेट और वापस आता है तो उसका पेट भरा हुआ होता है। इसी मफहूम को कुरान मजीद ने इस अंदाज में वाज़ह किया है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। असल में रिज़्क़ की फरावानी का एक सबब तवक्कुल है। हम अल्लाह पर तवक्कुल करते ही नहीं, हमें अल्लाह पर हुस्ने ज़न नहीं है, हमें यकीन नहीं है कि अल्लाह ताला देने वाला है, वही देता है, वही देगा, आगे भी देगा, हमें अब तक देता रहा है, आगे भी वही देगा। अल्लाह ताला का इरशाद है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो आदमी अल्लाह से डरते हुए काम करेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए मुश्किल से निकलने का रास्ता दिखाएगा, मुश्किल से निकलने का रास्ता वो दिखाएगा। वयरज़ुकुहु मिन हैथु ला यहतसिब, और उसे वहां से रिज्क देगा जहां उसका गुमान नहीं जाता, वहां से रिज्क देगा जहां उसका गुमान नहीं जाता। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बु, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो उसके लिए काफी है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बु, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ क्या थी, हस्बुनल्लाहु व नियमल वकील, वही हमारे लिए काफी है, हमने अपना मामला उसके सुपुर्द कर दिया है। जो अपने रब पर तवक्कुल करेगा अल्लाह उसके लिए काफी है। हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं और सूफिया में बहुत बड़ा नाम है उनका। उन्होंने कहा, अब देखिए उन्होंने क्या कहा, तवक्कुल की बात हम कर रहे हैं, तवक्कुल का क्या अंदाज होना चाहिए, क्या मेयार होना चाहिए, किस तरह से ये तवक्कुल होना चाहिए। हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, यकूलु अहदुहुम तवक्कलतु अलल्लाह यकदिबु अलल्लाह, एक आदमी कहता है मैंने अल्लाह पर तवक्कुल किया, अल्लाह पर झूठ बोलता है। एक आदमी कहता है मैंने अल्लाह पर तवक्कुल किया, झूठ बोलता है, अल्लाह पर झूठ बोलता है। लव तवक्कल अल्लाह रदिया बिमा यफअलुल्लाह, अगर उसने वाकई अल्लाह पर तवक्कुल किया होता अल्लाह के फैसलों पर भी राजी होता, वो अल्लाह के फैसलों पर भी राजी होता अगर वाकई तवक्कुल किया है। अल्लाह पर एतमाद और भरोसा और तवक्कुल इस तरह से होना चाहिए जिस तरह से एक दूध की जब पीता बच्चा होता है, अल्लाह पर वही हमारा कारसाज है, वही हमारे मुश्किलों से बचाता है, उसी पर एतमाद है, उसी पर भरोसा है, वही हमारा मामला बेहतर अंदाज में चला सकता है, वही हमारी बेहतरी कर सकता है। किस अंदाज में ये एतमाद होना चाहिए, उस दूध पीते बच्चे की तरह जिसे इस दुनिया में पूरी दुनिया से अपनी माँ की छाती के सिवा कोई चीज़ नहीं मालूम, अंदाजा कर सकते हैं आप, उस दूध पीते बच्चे की तरह तवक्कुल होना चाहिए जिसे सिर्फ माँ की छाती आती है और कुछ नहीं आता है इस पूरी दुनिया से। जब इस तरह का तवक्कुल होगा तो फिर यह अल्लाह ताला उस बंदे के लिए काफी हो जाता है। और यही चीज है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यही हकीकत है तवक्कुल की, यही है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो दूध पीते बच्चे की मिसाल अपने सामने रखें, बस तू ही है और कोई नहीं है हमारा इस दुनिया में, और कोई नहीं है इस पूरी कायनात में, तू ही है और कोई नहीं है। और इसीलिए ये तवक्कुल जो है इसके दर्जात हैं, हर आदमी अपने ईमान की बुनियाद पर इस तवक्कुल में मकाम रखता है, हर आदमी अपने ईमान की बुनियाद पर इस तवक्कुल में अब एक मकाम रखता है। और ये तफावत सहाबा किराम में भी मौजूद था, अब अंदाजा कर सकते हैं ये तफावत सहाबा किराम के अंदर भी मौजूद था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अपने घर का पूरा माल ले आए, ले आए या नहीं ले आए, अपने घर का पूरा माल ले आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल किया या नहीं किया, किया या नहीं किया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर का आधा माल ले आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल किया या नहीं किया, बिल्कुल किया। और उस सहाबी को देखें जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपना पूरा माल अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, नहीं नहीं पूरा माल बहुत ज्यादा है। उसने कहा तो पर मैं आधा माल देता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं आधा भी बहुत ज्यादा है। उस सहाबी ने कहा मैं अपने माल का एक तिहाई अल्लाह के रास्ते में देता हूँ,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है एक तिहाई दो, लेकिन एक तिहाई भी बहुत ज्यादा है। तो तवक्कुल की दर्जात है, हर आदमी तवक्कुल में तफावत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये नहीं कहा गया कि तुम पूरा माल ले आए हो, लेकिन इस सहाबी से कहा गया नहीं आधा भी नहीं पूरा भी नहीं, एक तिहाई ठीक है, एक तिहाई ठीक है, लेकिन एक तिहाई भी बहुत ज्यादा है। तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह की सही मारिफत के बगैर नहीं हो सकता। जब तक के आदमी को सही मारिफत न हो अल्लाह ताला के, उसके अस्मा की, उसके सिफात की और उसकी किबरियाई की, ये तमाम चीज़ें यकीन और की बुनियाद है जिस पर तवक्कुल अल्लाह मरकूज रहता है। और फिर अल्लाह ताला पर हुस्ने ज़न कि वही मेरा मामला बेहतर कर सकता है। और जो लोग अल्लाह ताला पर हुस्ने ज़न नहीं रखते, जो अल्लाह ताला से बदगुमानी करते हैं, उनकी अल्लाह ने मजम्मत की है। अल्लाह ताला का इरशाद है वयुअद्दिबु अल्लाहु वयुअद्दिबु अल-मुनाफिकीन वल-मुनाफिकात والمشركين والمشركات والظانين بالله ظن السوء، اور منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے گا جو اللہ کے متعلق برا گمان رکھتے ہیں، اللہ کے متعلق جو برا گمان رکھتے ہیں۔ اسی لیے اس توکل کو دل سے جوڑا گیا ہے کہ یہ دل کا معاملہ ہے، اس کو ناپا نہیں جا سکتا، تولا نہیں جا سکتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور تصوف میں بہت بڑا نام ہے۔ ان کا کہنا ہے التوحید هو قول القلب، توحید جو ہے وہ دل کا قول ہے، کہا ہے دل کا، کہا جو ہے دل کا قول جو ہے وہ ہے توحید۔ اچھا تو پھر توکل کیا ہے؟ والتوکل هو عمل القلب، اور توکل جو ہے وہ دل کا عمل ہے۔ توحید دل کا قول ہے اور توکل دل کا عمل ہے۔ اور یہ معلوم اس وقت ہوگا جب آدمی بحران میں ہو، ٹھنڈے ٹھنڈے آپ کہتے رہے توکل تو علی اللہ معلوم نہیں ہوتا، اس وقت معلوم ہوگا جب آدمی بحران میں گھر جائے، جب مصیبتوں کا شکار ہو جائے، اس وقت اس کا توکل معلوم ہوگا کہ کتنا توکل ہے، کتنا یہاں پر توحید ہے، کتنا یہاں پر اللہ پر ایمان ہے۔ جب آدمی توکل کرے تو پھر صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے، صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے کہ جس ہستی پر تم توکل کر رہے ہو اس کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے، وہ کون ہے جس پر توکل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، کوئی الہ نہیں اس کے سوا، اس کو اپنا وکیل بناؤ، اس پر توکل کرو، کیونکہ وہ رب المشرق والمغرب ہے۔ تو معلوم ہوا جس پر توکل کیا جائے وہ رب المشرق والمغرب ہونا چاہیے۔ دوسری چیز وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور توکل کرو اس پر جو زندہ ہے، کبھی اس پر موت نہیں آئے گی، اس پر توکل کیا جائے جو زندہ ہے اور جس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ توکل علی اللہ ایمان کی علامت ہے، آدمی کے اندر کتنا ایمان ہے اتنا توکل ہے، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی علامت ہے اللہ پر توکل کرنا۔ اسی لیے صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ آیت کے الفاظ ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، یہ نہیں کہا فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ کو پہلے لایا گیا، توکل کو بعد میں لایا گیا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ پر توکل کرو، یہ نہیں کہا توکل کرو اللہ پر۔ کیوں؟ اگر توکل کو پہلے لایا جاتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ پر بھی توکل کیا جا سکتا ہے اور کسی اور پر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن الفاظ وعلی اللہ، صرف اللہ پر توکل کرو، اور کوئی نہیں ہے جس پر توکل کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں جو بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ آدمی کے بس میں جو کچھ بھی ہے وہ کرے، اس کے بعد اللہ پر توکل کرے۔ اور یہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں اس کی مثالیں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جگہ جگہ پر ملتی ہیں۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال محنت کی، 15 سال، 13 سال مکہ میں، 2 سال مدینہ میں،
और 15 साल के बाद बदर का मारका पेश आया। 15 साल की मेहनत के बाद अब अंदाजा करें, 1000 अफराद का मुसल्लह लश्कर है, उसके पास घोड़े हैं, उसके पास ऊंट हैं, उसके पास तलवार है, उसके पास नेज़े हैं, तमाम फौजी सामान जो उस वक्त मौजूद था, दस टेक्नोलॉजी जिसको हम कह सकते हैं उस फौज के पास है, और दूसरी तरफ जिस फौज के पास क्या है, टूटी फूटी तलवारें हैं, नेजा है तो उसको जो है ना कपड़े से बांधा हुआ है, टूटी फूटी चीजें हैं, लेकिन अल्लाह पर तरफ अपने असबाब 15 साल मेहनत की, 313 अफराद तैयार किए, जो हथियार था वो हमने मैदान में पेश कर दिया, और फिर रात खड़े हो गए दुआ करने के। अब अंदाजा करें ना क्या किस तरह से तवक्कुल और दुआ कब कबूल होती है, 15 साल मेहनत करने के बाद। फिर उस रात बदर की रात आप अंदाजा करें, सीरत का मुताला करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रात कैसे गुजारी, वो उस रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से दुआएं की कि ये है 313 मेरी सारी उम्र की पूंजी है, अगर कल ये लोग मारे गए तो इस सरजमीन में तेरा नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा, तेरा नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह की मदद और नुसरत कैसे आई आप अंदाजा करें, इस तकूल للمؤمنین अलैहि यकफीकुम अन यमदकुम रब्बकुम बिثلاثه आलाफ मिन الملائکه منزلین बला इन तस्बिरू व तत्तकू व यातूकुम मिन फौरहिम हादा यमदकुम रब्बकुम बिخمسه आलाफ मिन الملائکه مسومین। याद करो जब तुम मोमिनों से कह रहे थे क्या तुम्हारे लिए ये बात काफी नहीं कि अल्लाह ताला 3000 फरिश्ते उतारकर तुम्हारी मदद करे, बेशक अगर तुम सबर करो, 3000 क्या चीज है, अगर तुम सबर करो और खुदा से डरते रहो तो तुम्हारा दुश्मन तो जिस आन तुम्हारा दुश्मन तुम पर चढ़ाएगा उसी आन तुम्हारा रब 3000 नहीं 5000 फरिश्तों के लश्कर से तुम्हारी मदद करेगा। अब अंदाजा करें 5000 फरिश्तों का लश्कर मदद के लिए आया, अंदाजा करें हजरात, एक फरिश्ता 1000 के लिए काफी था, ऐसा ही है ना, एक फरिश्ता 1000 के लश्कर के लिए काफी था, लेकिन मदद और नुसरत और तवक्कुल का नतीजा देखिए, 5000 फरिश्ते उतर रहे हैं, एक फरिश्ता काफी था, लेकिन अल्लाह ताला पर तवक्कुल का नतीजा है कि अल्लाह ने अपनी गैबी मदद और नुसरत भेजी है अहले ईमान की तरफ। इसी तरह से मैदान उहद में जब लोगों ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं आप लोग, कुरैश ने तुम लोगों के लिए बहुत बड़ा लश्कर जमा किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हस्बुनल्लाहु व नियमल वकील, हम अल्लाह पर, अल्लाह हमारे लिए काफी है, वही हमारा इंतजाम करेगा, हम उस पर तवक्कुल करते हैं। इसी तरह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में झोंका डाला जा रहा था, जब आग में फेंका जा रहा था, रिवायात में आता है कि जब मंजनीक से आपको फेंका गया, अभी आप फिजा में थे और आग की तरफ जा रहे थे, तो उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा या इब्राहिम अलक हाजा, ए इब्राहिम क्या तुम्हारी कोई जरूरत है, आप अंदाजा करें क्या सबक हमें दिया जा रहा है, अलक हाजा, अब आग की तरफ एक आदमी जा रहा है, फेंका गया है मंजनीक से, उससे एक फरिश्ता आके कहता है बताओ तुम्हारी क्या खिदमत की जाए, तुम्हारा कोई काम है, कोई बताओ तुम्हारा कोई काम है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अम्मा इलैका फला, तुम्हारी तरफ से मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुमसे मुझे कोई हाजत नहीं है, वा अम्मा इल्लाही फनाम, अल्लाह के लिए अगर अल्लाह के बारे में पूछो, हाँ अल्लाह से मुझे मदद की जरूरत है, हस्बुनल्लाहु व नियमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही कारसाज है, वही बेहतरीन कारसाज है, और वो बात या नार कोनी बर्तन व सलामन अला इब्राहिम, या नार कोनी बर्तन व सलामन अला इब्राहिम, अल्लाह ताला ने तीन बातें यहाँ पर हमें बताई हैं, एक तो यह है कि बर्तन व सलामन अला इब्राहिम, अगर सिर्फ बर्तन कहा जाता तो आप सबको मालूम है आपकी ठंडक की वजह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुतासिर होते, इसीलिए कहा बर्तन व सलामन। और एक और बात बड़ी अजीब बात और ये कल ही मुझे मालूम हुई है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने आग को कहा अला इब्राहिम, अगर अला इब्राहिम न कहा जाता कयामत तक के लिए आग ठंडी होती, लेकिन अल्लाह ने आग को हुक्म दिया इब्राहिम पर, सिर्फ इब्राहिम पर ठंडी और सलामती बन जाओ, अगर इब्राहिम का नाम न लिया जाता कयामत तक के लिए आग ठंडी रहती। अब अंदाजा कर सकते हैं इस बात का किस तरह से हस्बुनल्लाह व नियमल वकील, हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं, उसी पर जो है ना तवक्कुल करते हैं।
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ روز مرہ کس طرح سے ہم اللہ پر توکل کریں. یہ ایک ایسی پریکٹس ہے, اگر ہم ہر روز کرتے رہیں گے تو ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہوگی, تیار ہوگی, اور پھر ہم اللہ پر اس طرح سے توکل کریں گے جس طرح سے توکل کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جب امت میں سے کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے, کون سی دعا ہے؟ حسبنا اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. دعا کیا ہے؟ حسبنا اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سات مرتبہ اگر پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو سدھار دے گا اس دن کے لیے. اس دن اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو سدھار دے گا. اور کوئی شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے گا, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کتنی مختصر دعا ہے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. بڑی مختصر دعا ہے نا. جو شخص یہ دعا پڑھے گا فرشتہ اسے کہے گا تمہیں ہدایت دی گئی, تمہاری کفالت کی گئی اور تمہیں پناہ دی گئی. اور اس کا شیطان, ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے نا, اس کا شیطان دوسرے شیطان سے کہے گا اس آدمی کا کیا کیا جائے جس کو ہدایت دی گئی, کفالت کی گئی اور پناہ دی گئی. یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے, روز یہ کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا ایک کفیل ہے, ہمارا ایک وکیل ہے, ہمارا ایک کارساز ہے. اسی طرح سے ہمیں ایک اور جگہ پر ملتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ چچا زاد ہیں. حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد. حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے ہیں, بچے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر تھا. کنت ردف النبی, ردف کا مطلب ہے پیچھے بیٹھنے والا. آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, آپ کے پیچھے جو بیٹھا ہے وہ آپ کا ردیف ہے, اسی لیے کہتے ہیں ردیف کافیہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, یا غلام انی معلمک کلمات فاحفظھن. ہمارا موضوع ہے کیا ہے موضوع ہمارا؟ الوکیل. اللہ پر توکل کیسے کیا جائے, اللہ کو وکیل کیسے بنایا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا, اے لڑکے میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں, انہیں یاد رکھ. کیا باتیں ہیں؟ احفظ اللہ یحفظ, تو اللہ کو یاد رکھ, اللہ تجھے یاد رکھے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, تو اللہ کو یاد رکھ, اسے اپنے سامنے پائے گا. کہاں ڈھونڈ رہے ہو, کہاں بھٹک رہے ہو؟ تو اللہ کو یاد رکھ, اسے اپنے سامنے پائے گا. اذا سألت فاسأل اللہ, اگر تجھے کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور اگر تجھے مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگ. اور اسی طرح سے آخر میں آتا ہے وَعْلَمْ, اور جان لو, اب کان کھڑے ہو جانے چاہیے, وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اگر پوری انسانیت جمع ہو کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے, تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر تمہاری تقدیر میں لکھا نہ ہو. اور پوری انسانیت جمع ہو کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے, فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ تمہاری تقدیر میں لکھا نہ ہو. اور اس حدیث کے اختتام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رفعت الاقلام وجفت الصحف, تقدیر لکھنے والا قلم اٹھا لیا گیا اور صحیفے خشک ہو گئے. یعنی اب تقدیر میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو سکتا, کسی چیز میں جو ہے نا تحریف نہیں ہو سکتی, کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. پوری انسانیت جمع ہو کے اگر نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں پہنچا سکتی. حضرت حاجر علیہ السلام توکل دیکھیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دودھ پیتے بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ, مختصر میں آپ کے سامنے صرف اشارے رکھ رہا ہوں, بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جب جانے لگتے ہیں تو حضرت حاجر علیہ السلام پوچھتی ہیں, یا ابراہیم اين تتركنا, اے ابراہیم ہمیں اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دیتے اور چلے جا رہے ہیں جس اسپیڈ سے جا رہے ہیں. دوبارہ بلاتی ہیں, یا ابراہیم اين تتركنا, اے ابراہیم ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ اور تیسری دفعہ جب بلاتی ہیں تو جواب نہیں دیتے, تو ایک سوال پوچھتی ہیں. وہ سوال یہ ہے, اللہ امرک بہذا,
कि अल्लाह ने आपको ये करने का हुक्म दिया है, वो देख रही हैं बे आप वो क्या आती है, यहाँ जिंदा रहने के इम्कान नहीं है, थोड़ा सा पानी है चंद दिनों के बाद ख़त्म हो जाएगा। ज़मीनी हकायक हमें क्या बता रहे हैं, ज़मीनी हकायक ये बता रहे हैं कि ये माँ और बच्चा चंद दिनों के बाद मर जाएंगे, भूख और प्यास से मर जाएंगे। उस खातून ने इंसानियत को तवक्कुल का सबक दिया है, उन्होंने पूछा अल्लाह अमरका बिहादा, कि अल्लाह ने आपको ये करने का हुक्म दिया है, उन्होंने कहा हाँ। हजरत हाजर अलैहिस्सलाम वापस पलटती हैं और कहती हैं इदन लन युबयाना, अगर ऐसा है तो फिर अल्लाह ताला हमें कभी जाया नहीं करेगा। वापस पलटती हैं, कोई सवाल कोई जवाब नहीं करती, इदन लन युबयाना, अल्लाह ताला हमें जाया नहीं करेगा। और फिर देखा आपने तवक्कुल का नतीजा क्या निकला, कयामत तक के लिए लोगों के लिए पानी का इंतजाम कर दिया, सिर्फ इब्राहिम और हाजर के, सिर्फ हाजर और इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए नहीं, कयामत तक के लिए आने वाले इंसानों के लिए पानी का इंतजाम कर दिया। इसी तरह से हमें एक वाकया मिलता है, हजरत हम्माद इब्ने मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, वो कहते हैं एक रात में जा रहा था अपने घर की तरफ और मूसलाधार बारिश हो रही थी, एक घर के पास से गुजरा जिसे मुझे मालूम था कि इस घर में एक बेवा बूढ़ी और उसकी बच्ची रहती है, एक बेवा औरत बूढ़ी और उसकी बच्ची रहती है। जब मैं उसके घर के दरवाजे से गुजरा, अंदर से आवाज आई, बूढ़ी औरत कह रही थी या लतीफ अल्तुफ बिना, ए लतीफ अल्लाह ताला का नाम है, हम पर रहम करम फरमा, हम पर लुत्फ फरमा। कहते हैं मैं ठहर गया जब तक कि बारिश थम नहीं गई, जब बारिश थम गई तो मेरे जेब में 10 दीनार थे, मैंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से बच्ची निकली, मैंने उस बच्ची को 10 दीनार दिए और कहा कि अपने मामला इससे चला लो। उस बच्ची ने पीछे पलट के अपनी माँ से कहा अम्मा जान, तुमने ऊंची आवाज करके हम्माद इब्ने मुस्लिम को हमारे और रब के दरमियान ले आई हो। अब अंदाजा कर सकते हैं, तुमने आवाज ऊंची करके, तुम्हारी ऊंची आवाज करने से हम्माद इब्ने मुस्लिम हमारे और रब के दरमियान आ गए। बूढ़ी औरत ने कहा मैंने आवाज ऊंची नहीं की, अल-वकील उसे ले आया है, हमने नहीं बुलाया उनको, अल-वकील उसे ले आया है। इसी तरह से तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने वाले 70,000 इंसान इस उम्मत में से ऐसे होंगे जिनको बगैर हिसाब किताब के अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा, तवक्कुल करने वाले होंगे वो लोग। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उरिदत अलैया अल-उमम, मेरे सामने पूरी इंसानियत उम्मतें, हर एक उम्मत, हर एक उम्मत मुझे दिखाई गई, मैंने देखा यमुर्रु नबी व माहु अन-नफर, नबी एक गुजरता है उसके साथ एक आदमी है, फिर मैंने देखा नबी गुजरता है उसके साथ 10 आदमी है उस पर ईमान लाने वाले, उस नबी पर ईमान लाने वाले, व यमुर्रु नबी व माहु रहत, एक नबी गुजरता है उसके साथ 20 आदमी है, व यमुर्रु नबी व माहु अशरा, एक नबी गुजरता है उसके साथ 10 है, वह यमुर्रु नबी व माहु खमसा, और एक नबी गुजरता है उसके साथ 5 आदमी है, वह यमुर्रु नबी व लैसा माहु अहद, और कोई नबी ऐसा भी गुजरता है जिस पर कोई ईमान नहीं लाया, एक आदमी भी ईमान नहीं लाया। फिर कहते हैं फनजरत फैदा सवादुन कबीर, फिर मैंने देखा बहुत बड़ा इंसानों का एक मजमा मेरी तरफ आ रहा था, मैंने कहा या जिब्रील हादिही उम्मती, मैंने कहा ए जिब्रील ये मेरी उम्मत है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं नहीं या ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है, लेकिन वो देखा उफुक की तरफ, वो तुम्हारी उम्मत है। तो मैंने देखा उफुक की तरफ तो इंसानों का अंबोह मेरी तरफ आ रहा था, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा इनमें से 70,000 ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करेगा, बगैर हिसाब किताब के अल्लाह ताला इनको जन्नत में दाखिल करेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने पूछा वलीमा क्यों, इनका क्या काम है, क्या किया था इन्होंने, हजरत जिब्रील अलैहि सलाम कहते हैं ला यस्तरकून वला यतत्यरून वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, ये लोग क्या करते थे, ये लोग दागते नहीं थे, अपने आप को दागते हैं ना बीमारी की वजह से या किसी वजह से दागते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं किया, इसकी इजाजत है लेकिन पसंद नहीं है, अपने आप को दागते नहीं थे, झाड़ फूंक नहीं करते थे, उल्टी सीधी झाड़ फूंक जो है वो नहीं करते थे, फाल नहीं लेते थे और अपने रब पर तवक्कुल करते थे। अब अंदाजा करें अपने रब पर तवक्कुल करते थे।
हजरत अल-वकील, अल-वकील कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो चाहता है हम अल-वकील के पास जाएं, कभी कभी वो रास्ते बंद कर देता है ताकि हम, हमें मालूम हो कि हमारा एक कफील है, अपने मामलात हम अंजाम नहीं देते, हमारे मामलात वो अंजाम देता है, कभी कभी वो रास्ते में बंद कर देता है ताकि हम अल-वकील के पास जाएं और उनसे कहें या वकील तू हमारा वकील है, तू हमारे लिए आसानी पैदा कर। और कभी कभी ऐसा होता है कि अल-वकील को मालूम है कि आपके लिए बेहतरी क्या है, आपके लिए बेहतर काम कौन सा है, आपको नहीं मालूम। जैसे वालदैन है ना, ठंड हो गर्मी हो तूफान आया बड़ा हो, बच्चे को नींद से उठा के कान से खड़ा करके स्कूल भेज देते हैं, हमें मालूम है इसका, इसकी बेहतरी स्कूल जाने में, हालांकि वो देख रहा है कि मुझे तो नींद बड़ी प्यारी लग रही है, मुझे तो सोना चाहिए। हमारा बच्चा बीमार हो जाता है, हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं ना, हमारी आंखों के सामने वो नश्तर चलाता है, ऐसा ही है ना। अल-वकील को मालूम है हमारी बेहतरी किस में है, चुनाचे हम देखते हैं कि हालात ठीक नहीं है, हालांकि वो हालात ठीक होने की तरफ जा रहे होते हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मक्का के लोग नहीं मान रहे, यहाँ पर दावत को मुजाहमत का सामना है, यहाँ पर दावत को पनपने का मौका नहीं है, चुनाचे एक नई आबादी तलाश की जाए, हो सकता है ताइफ में एक ऐसी सरजमीन मिल जाए जहां पर दावत का काम किया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए, ताइफ में जो कुछ भी हुआ वो सब आपके इल्म में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ से वापस आए, पत्थर खा के जख्म खुर्दा होके खून बहा के जब वापस आ रहे थे, रास्ते में एक इराकी गुलाम मिला, उसका नाम था अद्दास, उस इराकी गुलाम का नाम था अद्दास, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला और ईमान ले आया, अद्दास ईमान ले आया। फिर अद्दास के ईमान लाने के बाद इसरा वल मेराज का वाकया हुआ, और उस वाकये के बाद अंसार का एक गिरोह मदीना मुनव्वरा से आया और इस्लाम कबूल किया और वापस चला गया। अब देखिए ये वाकयात की तरतीब है, ताइफ का वाकया हुआ, अद्दास ईमान ले आया, इसरा वल मेराज का वाकया हुआ, और फिर मदीना में अंसार पैदा हो गए। ये वाकयात का तसलसल इस तरह से है। अब देखिए अल्लाह की तदबीर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ चाहते थे, अल्लाह की मशीयत मदीना थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ताइफ को दावत देने गए थे, अल्लाह ताला की मशीयत इराकी गुलाम था, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ न जाते ये इराकी गुलाम ईमान नहीं लाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस को पैगाम देने गए थे, मैं एक चीज भूल गया हूँ कि ताइफ से वापसी पर जिन्हों की मुलाकात हुई थी, जिनके एक ग्रोह से मुलाकात हुई और वो जिन का ग्रोह ईमान ले आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों को दावत देने गए थे, अल्लाह ताला को जिन को दावत पहुंचानी थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले जमीन तक गए थे, अल्लाह ताला अहले आसमान तक ले जाना चाहता था। इसरा वल मेराज का वाकया इसके बाद हुआ, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते थे और अल्लाह की तदबीर क्या थी, क्योंकि अल-वकील को मालूम है कि आपकी बेहतरी किस चीज में है। हजरत मैंने आपके सामने अल-वकील, इस पर बहुत बहस हो सकती है और बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मैं चाहता हूँ कि इस मौजू पर आप मुताला करें, कैसे सुने आप पढ़ें इस हवाले से कि तवक्कुल की हकीकत क्या है और किस तरह से होता है। हमने जो कुछ सुनाया आपको, इस पर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इन बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाज़ा वल्लाहु ताला आलम।